A very healthy good morning to you all. Welcome to your online class of EBS and I'm your EBS teacher. As you know that we are in chapter number 10 now and the chapter name is Hututu and it is a name of the game Kabaddi and many other names also of Kabaddi like Chedaguddu, Hututu, Kabaddi, etc. Children, we have already discussed about the chapter and three parts I have already uploaded on Chalkbox. Now we are in chapter page number 81. A story of three sisters. Now let's start the topic. Look at this photograph. Don't they look like simple grandmothers, but they are different. यहाँ पर तीन सिस्टर्स की स्टोरी आपको दी हुई है. अकॉर्डिंग टू द फोटोग्राफ आपको लग रहा होगा एक ऑर्डिनरी सी ग्रैंड मदर्स हैं, बट नो, दीज आर नॉट अ सिंपल ग्रैंड मदर्स, दे आर डिफरेंट विद फ्रॉम दी अदर ग्रैंड मदर्स. ये आपको लग रही हैं आपकी ग्रैंड मदर्स की एज की, लेकिन ये बिल्कुल उनसे अलग हैं. द पिक्चर इज़ ऑफ थ्री सिस्टर्स, ज्वाला, लीला एंड हीरा. ये तीन सिस्टर्स हैं जिनका नाम है ज्वाला, लीला एंड हीरा. दे लिव इन मुंबई. ये मुंबई में रहती हैं. ऑल थ्री ऑफ देम प्लेड कबड्डी और ये तीनों कबड्डी खेलती थी एंड टॉट द गेम टू अदर्स और लोगों को भी ये गेम सिखाती थी. ज्वाला टेल्स, ज्वाला कहती हैं, व्हेन वी वर यंग, जब हम यंग थे, गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम, तब गर्ल्स इन गेम्स को खेलना गर्ल्स के लिए अलाउ नहीं था. पीपल थॉट दैट इफ़ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम्स, लोगों का मानना था कि अगर लड़कियाँ इस तरह के बेकार और रफ गेम खेलेंगी, नोबडी वुड मैरी देम, कोई उनसे शादी नहीं करेगा. दे ऑल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू वियर बॉयज़, और वो ये भी कहती थी कि लड़कियों को लड़कों की तरह कपड़े पहनना या गेम खेलना, क्लोथ टू प्ले कबड्डी, कबड्डी खेलने के लिए पहनने पड़ेंगे. दैट इज़ वाई दे स्टॉप्ड गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग, इसीलिए लड़कियों को ये गेम खेलने के लिए रोका जाता था. द सिस्टर्स वर यंग व्हेन देयर फादर डेड, ये लड़कियाँ बहुत छोटी थी जब उनके फादर का देहांत हो गया. देयर मदर एंड मामाज, मैटरनल अंकल, मामा किसे कहते हैं, मैटरनल अंकल को कहते हैं. पैटरनल अंकल मीन्स चाचा एंड मैटरनल अंकल मीन्स मामा. तो उनके मामा थे, ब्रॉट देम अप, उन्होंने इन्हें पाला. बोथ अंकल्स यूज टू प्ले कबड्डी एंड खो खो, दोनों अंकल जो, दो मामा जो इनके थे, दोनों कबड्डी और खो खो खेलते थे. दे इनक्रेज द थ्री गर्ल्स टू प्ले कबड्डी, और उनके मामा ने ही उन्हें कबड्डी खेलने के लिए इनक्रेज किया. इनक्रेज करने का मतलब, इनक्रेज करने का मीन्स होता है प्रोत्साहित करना. ओके, ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, ज्वाला ने और लीला ने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया. ऑलमोस्ट 50 years ago, आज से 50 साल पहले, व्हेन वी स्टार्टेड टू प्ले कबड्डी, जब हमने कबड्डी खेलना स्टार्ट किया, गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्ले दिस गेम, लड़कियों को ये गेम खेलने का मौका नहीं मिलता था. पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे उन्हें इस गेम को खेलने के लिए. बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड मे माई अंकल्स एंड मदर सपोर्टेड अस, लेकिन हम लोगों ने हमेशा महसूस किया कि हमें खेलना चाहिए और हमारे अंकल ने, दैट मीन्स मामा और हमारी मम्मी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमारा साथ दिया. वी थ्री लर्न द गेम, हम तीनों ने एक गेम सीखा. एंड सम अदर गर्ल्स ऑल्सो ज्वाइंड अस, और अपने साथ और भी लड़कियों को जोड़ा. वी फॉर्म्ड अ कबड्डी क्लब, हमने एक कबड्डी क्लब का निर्माण किया. विच इज़ एक्टिव इवन टुडे, जो कि आज तक एक्टिव है. रिमेंबरिंग दोज डेज, उन दिनों को याद करते हुए वो तीनों बहनें बताती हैं. लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस, लीला और हीरा आज भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं जब वो अपने मैचेस के बारे में बताती हैं. दे टेल हाउ दे वॉन सम मैचेस विच दे वर अबाउट टू लॉस, वो उन मैचेस के बारे में भी बताती हैं जिन्हें वो लगभग हार चुकी थी, फिर उन्होंने उन्हें जीता. दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल, ये तभी पॉसिबल हो पाया उनकी जीतने की जो अंदर से स्ट्रॉन्ग विल पावर थी उसके कारण. ड्यूरिंग दोज मैचेस सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन, उन मैचेस के दौरान कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हुई.
Once they had to go a different town for a big match. एक बार वो किसी दूसरे टाउन में गए मैच खेलने के लिए, बहुत बड़ा मैच था वो. लीला टेल्स, लीला ने कहा, द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग. जो मैच था वो शाम को 6:30 बजे स्टार्ट होने वाला था. वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock. हम 3 बजे से 6 बजे तक एक मूवी देखने के लिए गए. वी थॉट वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच. हमने सोचा कि हम लोग करेक्ट टाइम पे या मैच के स्टार्टिंग होने के टाइम पर पहुंच जाएंगे. एज सून एज द मूवी स्टार्टेड, जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई, वी नोटिस सम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस. हमने नोटिस किया कि पीछे से कुछ आवाज़ें और कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है. इट वॉज क्रिएटेड बाई आवर मामा. और ये जो वॉइस थी वो हमारे मामा क्रिएट कर रहे थे. हु वॉज लुकिंग फॉर अस, जो कि हमारा इंतज़ार कर रहे थे इन द हॉल विद अ टॉर्च, एक टॉर्च के साथ. वैन ही फाउंड अस, जैसे ही उन्होंने हमें ढूंढा, ही गेव अ बिग स्कोल्डिंग राइट देयर इन द सिनेमा हॉल. उन्होंने हमें जोर से डांटा कि तुम अभी तक सिनेमा हॉल में हो. द सिस्टर्स हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज बिकॉज ऑफ कबड्डी. उन बहनों ने कबड्डी के कारण बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी किया. बट दैट डिड नॉट रिड्यूस देयर फन. लेकिन उनका जो कबड्डी के रिगार्डिंग उनका जो डिवोशन था वो कम नहीं हुआ. हीरा द यंगेस्ट सिस्टर, हीरा सबसे छोटी बहन थी, बिकेम अ कबड्डी कोच, वो एक कबड्डी कोच बन गई. सी विशेस दैट चिल्ड्रन लाइक यू शुड इन्जॉय एंड प्ले मैनी गेम्स स्पेशली कबड्डी. उनकी इच्छा, उसकी इच्छा है कि बच्चे जो आप लोग हैं वो सभी गेमों को इन्जॉय करें और स्पेशली कबड्डी को भी इन्जॉय करें और खेलें, उसे भी अपनी हॉबी में शामिल करें. हैव यू लर्नड एनी गेम फ्रॉम अ कोच, विच वन. अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्या आपने कभी कोई गेम किसी कोच से सीखा है, लाइक क्रिकेट, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल. अगर किसी कोच से आपने कभी ट्रेनिंग ली है किसी गेम से रिगार्डिंग, तो आपको उस गेम का नाम यहाँ पर लिखना है. एंड दैट इज़ द क्वेश्चन फॉर योर एक्सपीरियंस बेस्ड, सो यू हैव टू डू इट बाई योर सेल्फ. ओके, डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज़ लर्नड एनी गेम फ्रॉम अ कोच. अगर आपने नहीं सीखा है तो अगर आपके एल्डर ब्रदर ने, एल्डर सिस्टर ने, आपके अंकल ने, मे बी आपके फादर ने, अगर किसी ने सीखा है किसी कोच से, तो आप उनका नाम लिखेंगे कि उन्होंने ये गेम किसी कोच से सीखा है या ट्रेनिंग ली है. ओके चिल्ड्रन, नाउ द चैप्टर इज़ कम्प्लीट. वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर ऑन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू हैव टू रीड दैट चैप्टर कॉन्सेंट्रेटली एंड we will discuss the question answers on the next week. Till then, stay home and safe. Have a nice day.